અને એ વીરગાથા માટે થઈ. અને આટલું તો ચોક્કસ કહી શકાય કે સિર્ફ હંગામા ખડા કરના મેરા મકસદ નહીં, સિર્ફ હંગામા ખડા કરના મેરા મકસદ નહીં, સુરત બદલની ચાહીએ, મેરે સિનેમે નહીં તો તેરે સિનેમે સહી, પણ એ બદલે કે આગ કહી ભી જલની ચાહીએ. જોરદાર તાળીઓથી વધી લઈએ શહીદ વંદના દેશભક્તિ નાટક. मैंने सोच लिया है माँ, मुझे फौजी बनना है. क्या? नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना, तेरे बाबूजी भी अपने देश के लिए जान देकर हमें छोड़कर पहले ही चले गए. अब मैं तुझे नहीं, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी. माँ, जैसे तू मेरी माँ है वैसे ये धरती भी मेरी माँ है. दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है मां, अब जवाब देने की बारी हमारी है. आशीर्वाद दे मां. वेल डन, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन आर्मी. हर किसी में अपने देश के लिए लड़ने की हिम्मत और जान देने का जज्बा नहीं होता, फौजी ये अपने अंदर लेके पैदा होता है. We all are proud of you. Good luck. विक्रम सिंह, हम सब तो यहां फौज में किसी ना किसी मकसद से आए हैं, लेकिन अगर हमें कुछ होता है तो हमारे घर वालों को देखने के लिए कोई ना कोई है. पर तेरी तो मां भी घर पर अकेली है. अगर तुझे यहां कुछ होता है तो क्या तूने कभी सोचा है तेरी मां का क्या होगा? फिर तू यहां फौज में क्यों आया है? ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से. पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू. ऐ वतन, मेरे वतन. All units, I repeat, all units. सभी सैनिकों को यह सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी हो सकती है. I repeat, जंग कभी भी हो सकती है. सभी सैनिक तैयार रहें. बालो, इस इलाके के सबसे ऊंचे पॉइंट पे मैं अपने तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहता हूं. हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा. हिंदुस्तान जिंदाबाद. All units alert, जंग का ऐलान हो चुका है. दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है. सारी बटालियन अपनी पोजीशन पर पहुंचे. I repeat, सारी बटालियन अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंचे. जवानों, दुश्मन देश की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है. सारी बटालियन तैयार. Yes, sir. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. लगता है दुश्मन देश हम पे हावी होता जा रहा है. सब पीछे हटो.
विक्रम सिंह अपनी पोजीशन पे वापस आओ। नो सर। विक्रम सिंह दैट्स अनदर, कम बैक टू योर पोजीशन। मेरे पिताजी देश के शहीद हो गए सर, फिर मैं वापस कैसे आ जाऊंगा? मेजर करण राजवीर सिंह कवर फायर गोल से। शहीद हुआ है, मुझे गर्व है उस बेटे की माँ होने का जो देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को चैन की नींद सुलाने के लिए खुद रात भर जागा। एक ऐसा बेटा जिसने न जाने कितने दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। एक ऐसा बेटा जिसने मेरा व इस धरती का, अपनी दोनों माओं का सर फक्र से ऊंचा किया। तो क्या हुआ, जो मेरा एक बेटा कुर्बान हुआ वो जाते जाते अपनी माँ को कितने सारे बेटे दे गया। वो हर एक सिपाही जो अपने देश के लिए लड़ रहा है मेरा बेटा है, और मुझे अपने हिंदुस्तान के उस हर बेटे की माँ होने का फख्र है। जय हिंद।